एक और बड़ी खबर, झुलाना सीट से विनेश फोगाट जीत गई है। देखिए कांग्रेस के फेवर में एक और खबर सामने आ रही है, 5761 वोटों से जीती है विनेश। बीजेपी के योगेश कुमार को हराया विनेश फोगाट ने, एक बड़ा चेहरा बनी थी। हालांकि महावीर फोगाट का कहना था कि राजनीति में जाके उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन कम से कम कांग्रेस का दामन थाम कर कांग्रेस को एक सीट, एक जीती हुई सीट जरूर विनेश फोगाट के नाम से जुलाना से मिल गई है। विनेश फोगाट तस्वीरों में इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। अंशुमन जी, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, भले ही पेरिस ओलंपिक में मेडल नहीं जीता लेकिन यहाँ चुनाव जीत गई। अंशुमन जी, जी पेरिस ओलंपिक्स में मेडल कैसे नहीं जीता वो भी सबको पता है, मुझे उम्मीद है कि देश की जनता भूली नहीं होगी, हरियाणा की जनता तो नहीं भूली है। अच्छा, मैंने आपके चैनल पे ही कहा कि विनेश चुनाव जीत गई हैं, उनको काफी देर तक इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे पीछे दिखा रहा था। इसी प्रकार से आदित्य सुरजेवाला भी चुनाव जीत चुके हैं। कई और सीटें ऐसी हैं, मैंने आपको बताया है कि 6 सीटें अभी ऐसी हैं, वाड्रा की भी सीट ऐसी है जो कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस को पीछे दिखा रहा है, लेकिन जो वहां के हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं जो हमें वहां से खबर दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उस सीट पे हम आगे हैं। मेरा मानना है कि हम हाफ वे मार्क क्रॉस करेंगे। ठीक है, एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, देखिए इधर विनेश फोगाट जीत गई, उधर कैथल से कांग्रेस कैंडिडेट की जीत हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर से एक हैरान करने वाली खबर, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना की हार हुई है। नौशेरा से रविंद्र रैना चुनाव हार गए हैं, एलओसी से लगा हुआ सटा हुआ नौशेरा सुंदरबनी ये सारा इलाका, यहाँ से नौशेरा सीट से हारे हैं। राणा जी, ये बड़ा झटका, बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना हार गए। हाँ, जम्मू के इलाके में अगर बीजेपी और बीजेपी का पार्टी अध्यक्ष ही अगर हार जाता है तो ये बीजेपी के लिए भी सोचने वाली बात है। और जिस तरीके से बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि जम्मू के भीतर वो अपना दबदबा बना के रखेगी, सीटों की संख्या डिलिमिटेशन में बढ़ाई गई और बढ़ा करके वो 43 तक पहुँचाई गई, तो अनुमान ये था कि 30-32 सीटें आ जाएंगी और घाटी से उसको 10-12 सीटें आ जाएंगी, तो फिर उसके बाद 5 नॉमिनेटेड जो लोग होते हैं उनके जरिए 48 का आंकड़ा छू लेगी। राणा सर, एक मिनट के लिए आपको, इस बीच कालका से खबर आ रही है शक्ति रानी शर्मा यहां से बीजेपी की उम्मीदवार जीत गई हैं, ऐसा हमारे संवाददाता यहां पर बता रहे हैं, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा 10,201 वोटों से जीत गई हैं। आप उनसे मिले भी थे, अर्धसत्र में बातें भी की थी। राजीव, बिल्कुल नई कॉन्स्टिट्यूएंसी, और शक्ति रानी शर्मा चूंकि अम्बाला के मेयर हैं और अम्बाला की जगह पर कालका में उनको टिकट दिया गया, कालका में लेकिन जम करके उन्होंने काम किया। कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी लगातार वहाँ जमे रहे, और बीजेपी ने कुल मिलाकर के, बीजेपी जो पूरा कुनबा था उसने कालका के लोगों के बीच में 4 बातें बड़ी मतलब शिद्दत से बिठाई। पहली ये है कि हमारे आने के बाद से आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोड, पानी, बिजली, ये हम ठीक करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो कालका मंदिर है, देश भर में जाना जाता है, शक्तिपीठ है, उसके आसपास जो खस्ताहाल सड़कें हैं, बीमार जो इमारतें हैं, इन सबको हम ठीक करके और पार्किंग वगैरह का इंतज़ाम बहुत अच्छा करेंगे। तीसरी बात यह है कि आपके घर घर में जो बच्चे नशे की लत का शिकार हैं और यहाँ ड्रग माफिया काम करता है, आते ही सबसे पहला काम करेंगे कि उसको भगाएंगे। और कार्तिक शर्मा को मैंने मन से कई बार सुना कि या तो आप 8 तारीख से पहले भाग जाओ, नहीं तो 8 तारीख के बाद हम आपको यहाँ टिकने नहीं देंगे, आपको यहाँ जीने नहीं देंगे। तो ये एक संकेत जतन था। चौथी बात थी कि जो वहाँ HMT की फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो HMT की फैक्ट्रीज या तो दोबारा चलेंगी या फिर उनकी तरह की बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ काम करेंगी ताकि रोज़गार पैदा होगा। और मोरनी के इलाके में जो हिल स्टेशन है वहाँ टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर उसको डेवलप किया जाएगा और वहाँ कुछ और फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, इसके ज़रिए वहाँ रोज़गार पैदा किया जाएगा। और यह इतनी शिद्दत से कहा जा रहा था कि लोगों के बीच में भरोसा हुआ, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के विधायक थे और उनसे बेइंतहा नाराज़गी लोगों की थी। तो एक ईमानदारी से अपनी बात लोगों के बीच में जाकर के कहना और दिन रात अपनी बात को मनवाने की खातिर उनके बीच में बने रहना, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि खून पसीना लगा दिया था और दिन रात एक कर दिया था। लोगों ने